क्या कहें आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ओ, तो आखिर आपकी नजरें चार हो गई उस हसीना से? बड़ी मुश्किल से बेनी बाबू, लाज और शर्म की देवी है वो, नजरें हमेशा झुकी रहती है। दो चार दिनों में मुझे और गजलें और गीत पेश कर दो, सारा ध्यान लिखने में लगा दो, खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जितना रुपया चाहिए मैं दे दूंगा, ये लो। शुक्रिया। इस परदेश में अगर बुरे वक्त में आपकी मदद ना मिलती तो बड़ी मुश्किल हो जाती बेनी बाबू। मगर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आप मेरी हर गजल के लिए मुझे 1200 रुपए दे देते, आखिर ये आपकी क्या काम आएंगी? इतनी काम आएंगी प्रेमी, क्या तुम सोच भी नहीं सकोगे। बहुत जल्द मैं अपनी एक फिल्म कंपनी शुरू करने वाला हूँ, हर बरस मैं 4-5 फिल्में बनाया करूंगा, उसमें तुम्हारे गजलें और गीत पेश की जाएंगे, इसलिए एक चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें। वो क्या? जो गजलें और गीत तुमने मुझे दी हैं, वो और किसी को मत सुनाना, वरना वो अपनी फिल्मों में ले उड़ेंगे और हम मुंह ताकते रह जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। अरे खाए के पान बनारस वाला रे, लजाय बंद अकल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा है, ले कमाई खा ले भैया।
एक कलकत्ता सादा। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहाँ, कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, तुमने तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो आका। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। अभी खिला दे, ये तो कलकत्ता सादा कतरी सुपारी। हाँ ठीक है, पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो, खतवा दात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतैया तो काम से आ रहा, तो हर भाभी तो भैया थोड़ी तबीयत हरी कर। क्या कहे आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ये शेर किसने गाया तुम्हें? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। अमा यार, मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया, शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया, तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा तुम्हें। दरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये लो। सही राजा। क्या कहे, क्या कहे आज क्या हो गया, क्या कहे आज क्या हो गया, क्या कहे आपका सामना हो गया, हो आपका सामना हो गया, क्या कहे, क्या कहे, क्या कहे हो गया।
लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम काहे खिला रहे हैं ऐसे करके। चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए, लैला जान के साथ इस दांत के कुछ हकदार हम भी हैं। है? जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पाई लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को। तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे अरे, ओ दरबान जी, आप जग में बात पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खड़ा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। कि आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है, मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए तमीज से बैठिए। अरे क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल ना जान से अखिया वहां क्या लड़के का। अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोटे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गया, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान, ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है, मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़ से। जो कभी टोलपुर की रियासत हुआ करती थी वहां के ठाकुर है हम, न तो उतारने की कीमत कीमत हम दोगुनी कर देते हैं। न जाने इस शहर में कितने सेठ पड़े हैं जो नत उतराई का लाख दो लाख देने को तैयार हैं। जाइए धौलपुर तशरीफ ले जाइए। वो गजलें मेरी हैं, ये बात बताए बगैर भी मैं आपको उनके दिल से निकाल सकता हूँ। अरे वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। लैला जान के करीब जाने के लिए ऐसी चाहिए, दौलत चाहिए या शायरी, और तुम्हारे पास सिर्फ शायरी है। शायर होने के साथ साथ मैं एक मर्द का बच्चा हूं। लैला जान को हासिल करने के लिए आप शायरी का सहारा लेते रहिए, मुझे उसकी दुखती रख से कोई फायदा नहीं उठाना। मर्दों वाले तरीकों से अपनी महबूबा को जीत कर दिखाऊंगा मैं। अरे धरे रह जाएंगे तुम्हारे तौर और तरीके। बिना शायर बने तुम जैसी छोटी हैसियत का आदमी लैला जान के कोठे पर पाँव भी नहीं धर सकता। लैला जान खुद बुलाएंगी मुझे अपने कोठे पर। कबूल किया आपका चैलेंज, ये लीजिए एक और गजल और चलाते जाइए मेरे कांधे पर रख के बंदूक, उसके बावजूद देखिएगा होता है क्या। बस इसी तरह मेरी मदद करते रहिए, चाहे बने रहिए मेरे रकीब। लैला जान तो सिर्फ अब
मेरी ही बनकर रहेगी। बड़ी ही लंबी उम्र है उसकी, आप जिसे याद कर रहे थे उसी का फोन आया है। नौकर के हाथ भेज देती, यहाँ पर खुदाने की क्या जरूरत थी। इसी बहाने कुछ पर पति के साथ रहने का मौका तो मिल जाता है मुझे। तो आप इनकी पत्नी है? हाँ भैया, इनके चरणों की दासी हूँ, लेकिन इनके मन के मंदिर की रानी तो आज कोई और है तो हुआ करे। मगर बहन जी, आज मैंने आपके पति से एक वादा किया है, एक वादा आपसे भी किए देता हूं। अंत में जो जीत है ना, वो आप ही की होगी। वो आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। वो आ रही है। और सुनो, हाँ, जो आगे चल रही है ना, हाँ हाँ वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ, हाँ, और वहां तैयार रहता हूँ। ठीक, तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ, और सुनो, हाँ, बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला, इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली, सीधा अटैक। चलो भी माँ। हाँ, छोड़ दे, छोड़ दे, हम बदमाश क्या कर रहे हैं। मैं जाऊँगा। तू कहाँ? माँ, अरे आज मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, आज लेके जाऊँगा। राजा साले, ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है, चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? भाग गया साला। अब बचकर कहां जाएगी मेरी जान? चल। ये क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें, बदमाश है। ये हिम्मत? तेरी ये हिम्मत? मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है। जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी, मंदिर में भाग। चले पैसों के मामले में दोस्ती ना आई, मेरे को ताबड़तोड़ ताबड़ चाहिए। अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100 गरीबी में आटा गीला कर दिया। 400 500 अभी आगे इनमें चला भाई। जाता हूँ यार। भाई साला खरीदने की कोशिश करता है। हाँ, चल 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 चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया आजकल। ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे, बताइए। और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है। देखिए बड़ी गलत बात कर रही है आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो हुंडे को, 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ। आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको। हाँ, मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों, यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है। सुनिए, कहिए। माँ, बेटे, हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुँचा दोगे? अब आप जिद कर रही है तो चलिए छोड़ देता हूँ। कुछ काम वाम मिलेगा? ठीक है। उस्ताद जी आइए, यह है प्रेमी, मालकिन ने आज ही ये नौकरी पे रखा है,
और अभी आपके साथ इसी कमरे में रहेंगे। अरब जीते रहो बेटे। गजल पेशे खिदमत है। बेडरूम तो पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर। कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगे। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू। मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन। मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा? ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाओ। भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो मैं ये कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी के भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी, प्रेमी। क्या बात है जवानी? ये लो 1000 रुपया और मालकिन का हुक्म है 4 बोतलें विस्की और 8 दर्जन पान। अच्छा, मुजरा जमने वाला है। 7 सुर में आ चुके हैं लैला जान, सुनाइए हमारी वो ताजा गजल ताकि लोग हमें दाद दें और झंझोटिया से चले। आप ये दाद और खुजली जो है बाद में बटोरते रहिएगा। लैला जान जरा ठुमरी हो जाए, बहुत दिन हुए ठुमरी सुने हुए। सेठ जी आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पहले बेनी बाबू की गजल। अरे गजल वजल तो अभी पैदा हुई है ससुरी। ठुमरी तो तब से जिंदा है जब नटखट नंदलाल वृंदावन में रासलीला रचाते थे और कहते थे कि छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। हमारी बीती आप हमें सुनाइए ना लैला जान। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो ठुमरी ठीक से याद भी नहीं। हाँ मगर आपकी फरमाइश झंझोटिया सेठ जरूर पूरी कर सकते हैं। ठीक ही तो कहती लैला जान, ठुमरी की अदायगी आप ही ठीक अदा कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वो हमको याद नहीं है। अरे नहीं नहीं, आज आपको हमारी फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। नजरियों से हराम, नजरियों से हराम, नजरियों से दिल भर दूंगी। छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। लाख करोगे पिया मुख से न बोलोगे, लाख
लाख करोगे पिया पिया, लाख करोगे पिया, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, मुख से न बोलोगे, आप रहोगे दिलगीर, हाय आप रहोगे दिलगीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। इश्क के पढ़ के सारे अफसाने, लोग करते हैं इश्क क्यों जाने, इश्क देता है सिर्फ रुसवाई, इश्क जिसने किया सजा पाई, फायदा क्या है दिल लगाने से, आग के पास घर बनाने से, छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी, छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। कमबख्त, माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है, मुँह आप कायदा कहीं भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं, धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज, पी लीजिए, आए हम पे भड़क रही। हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी, तुम्हारे बाप दादो में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी कतने में, तुम्हारा वजन संभाल लेगी चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ, तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया सर। कलाई पर गजरा लपेट कर भजन सुनने जाते हो? हाँ तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना, मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो, पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? अरे बताता हूँ कहाँ, फूलन देवी की तरह चढ़ी चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा काय को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो। अरे नहीं, 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 बताते हैं काय के हुआ, ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया, आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया तो ये पान नहीं है, हमारा खून है। अच्छा चलो जान, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू उसको कोई क्या उल्लू बना सकता। नहीं नहीं, मैं असल में कहा है तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम है। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो चलो। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारे लला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं, रियाज चल रहा है, गुरु छनक रहे कोठे पर। लैला रियाज करो बेटी। दुनिया के मेले में आके दुनिया वाले खो गए, दुनिया
जागने वाले सो गए, जागने वाले सो गए, लैला कब तक खड़ी रहोगी खिड़की पे? आओ रियाज करो। क्या हुआ बेटी? जोगन की आवाज जब भी सुनती हूँ जाने क्या हो जाता है मुझे, सुतपुत खो बैठती हूँ, एक जादू सा हो जाता है मुझ पर। चलो दुबे भैया चलते हैं। लैला जान को जाना है बेनी बाबू के साथ घूमने और शॉपिंग करने, और हम जा रहे हैं उनकी रखवाली करने। या तो मुझे स्वर्ग बसाना है, जाने मन कोठा छोड़कर यहाँ रहने चले आओ, वो नई गाड़ी ये नया मकान सब कुछ तुम्हारे लिए है, अपनी हर रात मुझे बख्श दो जाने मन, मैं तुम्हें नाजो नियामत में रखूंगा। मेरे सभी जाने वाले यही कहते हैं बेनी बाबू, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब मेरी उम्र ढलने लगेगी और किसी एक का बनने का वक्त आएगा तो शायद मैं आप ही को चुनूंगी। ये औरत कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या पति के घर आने के लिए पत्नी को इजाजत की जरूरत होती है? मैंने ये घर तुम्हारे लिए नहीं बनवाया है, चुपचाप अपने घर में जाकर पड़ी रहो। तुम क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो? मैं कहता जाऊं यहां से। आप चुप रहिए बेनी बाबू, मैं इन्हें जवाब दे दूं। आपका ख्याल है कि मैं बेनी बाबू के पीछे पड़ी हूँ? माफ कीजिएगा, लैला जान उन कोठे वालियों में से नहीं है जो रईसों को फांसती है। बड़े बड़े रईस खुद मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेनी बाबू भी अपने पति की इतनी ही दीवानी हो तो उसे अपना बनाकर रखना सीखो। और कैसे बनाओ, उनकी हर आज्ञा तो मानती हूँ, हर तरह से जी जान से उनकी सेवा करती हूँ। आज्ञा मान के सेवा करके बनी रहो इनके जीवन में नौकरानी। शौकीन पति को अगर अपने बस में करना है तो दिलरुबा बनो देवी जी, ये सीधी सादी गाय बनकर कुछ नहीं होगा। जरा लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा फैशनेबल बनो, तरह तरह की अदाओं से दिल लुभाना सीखो। अगर आज तुम्हारे पति मेरी तरफ खींच रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष खुद तुम्हारा है। उस कोठी की सौगात तो आपने कबूल नहीं की, कम से कम हमारे हाथ एक फूल तो कबूल कर लीजिए। कहिए जाने मन, हम आपके लिए कौन सा फूल तोड़ के लाए? ला सकेंगे आप? अजी आप फरमाइश करके तो देखिए, आपके लिए तो हम कांटों में भी फांस सकते हैं। अच्छा तो फिर वो कवर लेके आइए। अब जाने मन, उस कमल के लिए हमें दलदल में घुसना पड़ेगा। बस जवाब दे चुकी आपकी चाहत। अरे ये डूबा क्यों नहीं है? क्या अब कुछ नहीं। ये लीजिए सरकार, आपकी फरमाइश इस गुलाम ने ही पूरी कर दी। शुक्रिया प्रेमी। इसकी हालत तो देखो, अभी हमें बगीचे में घूमना है, सैर करनी है, ऐसी भुतिया हालत में हमारे साथ चलेगा ना तो लोग हम पर हंसेंगे, वैसे भी साला बदबू मार रहा है। ये ठीक कह रहे प्रेमी, तुम ऐसा करो बगीचे के किसी कोने में जाके ये कीचड़ धो लो, और आज जो नया जोड़ा खरीद कर लाए ना वो पहन लो। तब तक हम क्या करते हैं मालूम है? तुम गाड़ी पे आ जाना, हम बगीचे में सैर करते हैं और बातचीत करते हैं बड़े प्यार से, यू नो प्यार। सभी मिल
अगर कब दिल से मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तुमसे एक अर्ज है तुम अगर मान लो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो। तुमसे एक अर्ज है तुम अगर मान लो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो, प्यार हमसे करो प्यार हमसे करो। सबसे मिलकर यूं ही मुस्कुराते रहो, बिजलियां सी दिलों पर गिराते रहो। सबसे मिलकर यूं ही मुस्कुराते रहो, बिजलियां सी दिलों पर गिराते रहो। अपना दीवान सबको बनाते रहो, अपना दीवान सबको बनाते रहो। बस मोहब्बत का इकरार हमसे करो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो। बस मोहब्बत का इकरार हमसे करो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो, प्यार हमसे करो। सबको ये रूप ये बापपन चाहिए, फूल साये महकता बदन चाहिए। सबको ये रूप ये बापपन चाहिए, फूल साये महकता बदन चाहिए। उनको तन चाहिए हमको मन चाहिए, उनको तन चाहिए हमको मन चाहिए। दिल का सौदा तो एक बार हमसे करो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो। दिल का सौदा तो एक बार हमसे करो, बात सबसे करो प्यार हमसे करो, प्यार हमसे करो, हमसे करो। अरे तुम गा रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो सुन रहा था, देखने आया था कि कौन गा रहा है। किसी धासु कवि या शायर की आवाज लगी तो मैंने कहा कि चलो सुन ले। कौन था वो शायर? पता नहीं कौन था। तुमने देखा उसे? नहीं मैंने। हाँ लेकिन बेनी बाबू ने जरूर देखा। बेनी बाबू बताइए ना कौन है वो शायर। मैंने किसी को नहीं देखा। अरे मैं तो तुम्हारे साथ था। ऐसा क्यों कहते हैं बता दीजिए ना। मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ आप कैसे देखेंगे, शायर तो बस आप हैं। अब लाला जनाओ चलते हैं। अच्छा अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आ जाओ जी। वो चमेली कह रही थी कि आपने याद किया है मुझे। मैंने अपनी पसंद बेनी बाबू को बताई थी, फिर कंवल लाने के लिए तुम दलदल में क्यों फान पड़े? अजी वो तो दलदल थी, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौत के कुएं में भी कूद सकता हूँ मैं। इश्क हो गया है मुझसे? ताज्जुब आपको? नहीं, ताज्जुब तो मुझे तब होता अगर तुम्हें मुझसे इश्क नहीं होता, क्योंकि मेरे करीब जो भी आता है वो मेरा आशिक बन के ही रहता है।
शादीशुदा लोग भी मुझ पर फिदा हो जाते हैं, तुम तो फिर भी कुंवारे हो। चलो मेरे चाहने वालों की लिस्ट में एक इजाफा और सही। आशिक बने हो, बने रहो। शुक्रिया करम नवाजिश। लेकिन ये याद रहे, मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है वो भी बना रहे। चांद को छूने की कोशिश मत करना, अपना मकाम कभी मत भूलना। मुझे इतना छोटा आदमी मत समझिए, हो सकता है कल आपके इश्क में मैं भी कुछ बन जाऊं, बेनी बाबू जैसा मकाम हासिल कर लूं। बेकार के सपने मत देखो, मेरे चाहने वालों में सबसे ऊंचा दर्जा बेनी बाबू का है। औरों के पास तो सिर्फ धन है, बेनी बाबू के पास फन भी है, बेहतरीन शायर है वो। यानी कि आपके नजरों में बेनी बाबू अच्छे शायर हैं? अच्छे, बहुत अच्छे। उस दिन उनकी ताजा गजल महफिल सुनती तो झूम उठती, बस झंझोटिया सेठ ने सुनाने नहीं दिया। तो फिर ठीक है, कल सुनवाइए और झुमवाइए महफिल को, और अगर आपकी इजाजत हो तो कल का तमाशा मैं भी देखूं। हाँ देख ले। सी आई झंझोटिया। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है, हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिश? तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गवा। सुनो तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तेरे बस की बात नहीं है घसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूँ, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम कहा बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए, वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप हिया आते हैं, वो बेचारी तो थाड़े मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब अर्ज है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। लला जान आज हमारी वो गजल सुना ही डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट हट। लैला जान जरा इनकी गजल सुना ही डालो, सुन लो भाई कलेजा थाम के कान में रुई डाल के। हाजरीन मतला अर्ज है। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बेनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। आदाब। अरे चुप करो यार, का आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। ले लैला जान जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं क्यों नहीं, आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? हा कहा है, ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं कलम से लिखा उल्लू की धूप। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं,
तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुल्हाड़ खाओगे, मुझसे उलझोगे तुम। अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं? अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर तपन कर देंगे। अरे छोड़ मुझे, समझता है साला तू? अरे कोठे को 2 मिनट में खड़ा बनाता है, क्या बोलता है रे तू? और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना देंगे। अरे भाई जरा समझाइए इन्हें, गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बूढ़े दो हाथ दूंगा ना, गजल फाड़ कर नाम भूल जाएगा, गंजा कर देंगे। जवान जवान नहीं तो बच्चों के हाथ में दे दूंगा। हाथ भी जयकार, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं? ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत, झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कदरदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर बुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है, लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो, दोनों की आपस में ठनी रहती है, झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे। तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आदाब अर्ज। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि मैं भी इस नतीजे पे पहुंचने वाला था कि जरूर कोई तीसरा छुपा रुस्तम है जो इन दोनों को गजलें लिखकर देता है। आदाब अर्ज। लला जान, इस बदमजगी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बेवकूफ झंझोटिया हमेशा मुझे डंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रेमी जी, माँ से जाके कह दो कि आज मेरा मुजरा करने का मूड नहीं है, सबसे जाने के लिए कह दे। जी फौरन भेज देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत बेनी बाबू से करूँ? नहीं, एक मिनट पूछो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम जाओ। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आधार लला जान, बेनी बाबू आप जानते हैं कि अच्छी शायरी मेरी दुखती रग है, इसीलिए शायर बनके मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? ये देखिए, एक गजल आपकी है और एक झंझोटिया सेठ की, लेकिन दोनों की लिखाई बिल्कुल एक जैसी है। अब आप सच सच बताइए कि आपको गजल लिख के देने वाला वो गुमनाम शायर कौन है? प्रेमी ने भड़काया तुम्हें? प्रेमी क्यों भड़काएगा मुझे, वो तो खुद जानना चाहता है कि वो गुमनाम शायर कौन है। मेरी गजल का शायर मैं हूँ जाने मन, यकीन मानो ये तो मैं इत्तेफाक है कि इसकी लिखाई मेरी लिखाई से मिलती जुलती है। ठीक है, तो फिर सबूत पेश कीजिए। कागज भी हाजिर है और कलम भी, ठीक वैसी ही लिखाई लिख के दिखाइए, दिखाइए। हद हो गई, इतना जलील मैं आज तक नहीं हुआ, मेरी जबान पे तुम्हें भरोसा नहीं रहा, सबूत चाहिए तुम्हें। मत भूलो लैला जान, आज तक मैं तुम पर दौलत लुटाता रहा हूँ, तुम्हारे नाज उठाता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे और जलील किया तो मैं तुम्हारे इस कोठे पर कभी नहीं आऊंगा। आपकी मर्जी बेनी बाबू, मुझ पर दौलत लुटाने वाले, नाज उठाने वाले और भी कई रईस है, लैला जान का दम सलामत रहे, चाहने वालों की कमी नहीं है। जवाब दो, तुमने झंझोटिया को गजल क्यों दी? झंझोटिया ने कितना पैसा दिया था जो हम नहीं दे सकते थे? एक पैसा नहीं लिया, मुफ्त में दे दी मैंने वो गजल फाइव लेटर बॉक्स। अभी तक तो झंझोटिया को भी नहीं मालूम होगा कि वो गजल उसे मैंने दी। तुम्हारा इरादा क्या है? परेब मास्टर के सामने सच बोल दो। बोलो। लैला जान के कोठे पर आपकी गुड्डी सबसे ऊंची थी, उसे डाउन करने के लिए मैंने झंझोटिया सेठ की गुड्डी ऊंची कर दी। यानी कि मुझसे दुश्मनी करने पे तुल गए। Everything is fair in love and war. मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। देखिए बेनी बाबू, लैला जान से आपको भी इश्क है और मुझे भी, और हाँ अगर आप मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं तो लैला जान को बता दीजिए कि शायर मैं हूं, मगर आप तो बताने से रहे,
इसलिए दाव खेलकर लला जान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप शायर नहीं है। देखिए बेनी बाबू, बुरा मत मानिएगा, ये हकीकत है। मैं आपकी तरह फरेब मास्टर नहीं हूँ। इजाजत, मैं चलता हूँ। ठहरो प्रेमी, आइंदा भी अपना वचन निभाओगे क्या? लैला से कभी नहीं कहोगे कि तुम ही असली शायर हो? पहले भी कह चुका हूं, मर्द की जबान एक वचन दिया है, सो मरते दम तक निभाऊंगा। फिर तो इश्क में जीत मेरी होगी। मुझे खतरा एक शायर से था, नौकर को तो लैला जान अपनी ठोकर से उड़ा देगी। अरे गले से लगाएगी बेनी बाबू, आज ये भी वादा रहा। अरे प्रेमी, ये गुलदान सजाने के लिए कुछ गुलाब लाए होते, ये कीचड़ के कमल तुम क्यों ले आए? जिस लड़की से मुझे इश्क है ना, उसे भी ये कमल बड़े पसंद है। किस मेंढकी से इश्क कर बैठा है माटी मिले, वो भी किसी कीचड़ में ही पली होगी। मैं ये कैसे कहूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। आधा वर्षा तशरीफ रखिए सेठ जी। ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, कहा है कि राजगढ़ के ठाकुर जो है हमारे परम मित्र हैं, तो इस पूर्णिमा को उनकी बेटी का ब्याह है, उसके जश्न में लैला जान का जो मुजरा है वो हम फिक्स करके आए हैं। ठाकुर साहब को हम जबान दिया है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना कोठा छोड़कर बाहर मुजरा करने कहीं नहीं जा सकती। अरे अगर हम लैला जान होते ना, तो नाच नाच के पूरे भारत को नचा देते। हंस रही हो, मगर चलने को नहीं कह रही है। नहीं। चलोगी ना? नहीं। अरे यार समझाओ ना इसको। सेठ जी की बात रख लीजिए लैला जान, अब तो ये बेनी बाबू से बढ़िया शायर हो गए, कुछ कम नहीं है। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजगढ़ चलूं, तो फिर आप मुझे सच सच बताइए, जो गजल आपने मुझे दी थी वो आपको किसने लिख के दी? किसने लिख के दी? अरे क्या बात करती हूँ, हम अपने हाथ से लिखा है, दिमाग से निकली है, 100% हम लिखा है। आपने लिखी? फिर ठीक है, राजगढ़ मुजरे में गाने के लिए आप उसी खूबसूरत लिखाई में मुझे गजल दे दीजिए, बस इसी शर्त पे मैं चलूंगी। नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी, हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री थोड़ी है। यहाँ बटाने के फड़ से कोई गजल निकल आएगी, उसके लिए मूड चाहिए, तब गजल उत्पादन होगी। मूड शूट आप आराम से बना लीजिए झंझोटिया सेठ, अभी पूर्णिमा के लिए कुछ दिन बाकी है। नहीं नहीं देखो, बाकी है कुछ दिन, कभी 5 मिनट भी लगता है, 5 महीना भी लगता है, कभी 5 साल भी। अरे लैला जान कैसे तकाजे में फंसा दिया हमने, चारों ओर तो अमावस का अंधेरा छा गया। मैं जानती थी ना आने की धमकी देने के बाद आप जरूर आएंगे। आप तशरीफ ले जाइए, मैं आराम करना चाहती हूँ। उस धमकी का जुर्माना अदा करने दो, चला जाऊंगा। कैसा जुर्माना? ये नेकलेस लाया हूँ तुम्हारी मरमरी गर्दन के लिए। रहने दीजिए बेनी बाबू, रहने दीजिए, आप फिर से ताना देंगे। तुम पर अपनी दौलत लुटा रहा हूँ। अरे तुम पर तो मैं अपनी जान तक लुटा सकता हूँ जाने मन, वादा करता हूँ कि ताने नहीं दूंगा। अपने हाथों से हार मुझे पहनाने दो। ठीक है, पहना दीजिए। एक और तोहफा लाया हूं मैं तुम्हारे। वो क्या? आंखें बंद करो। आप हद से गुजर रहे हैं बेनी बाबू। दौड़ दो ये सब हदें, क्यों बांध रखा है अपने आप को भले घर की बंदिशों में? तुमने कोठे पर जन्म लिया है लैला जान, जहां माए आधी रात को अपनी बेटियों के कमरे में पराए मर्दों को जाने देती हैं। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी मां तुम्हारे जिस्म का सौदा मुझसे करने के लिए तैयार है। मैं कोठे की संतान हूं, इसीलिए अपना संगीत बेचती हूं, नृत्य बेचती हूं, अदाई बेचती हूं, मगर माफ कीजिए बेनी बाबू, मेरा जिस्म बिकाऊ नहीं है। तशरीफ ले जाइए। Thank you.
नाजुक उंगलियों में कहीं चोट तो नहीं आ गई आपकी? बदमाश, तुम्हारी ये जुर्रत! बेनी बाबू ने भी तो आपको चूमा था, उन्हें तो आपने थप्पड़ नहीं मारा। वो इस शहर के माने हुए रईस है और मेरा पेशा है दिल रुबाई। जो लोग मुझ पर दौलत न्योछावर करते हैं उन्हें अपने पेशे की खातिर मैं थोड़ी बहुत छूट दे देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जैसा 2% का नौकर भी मुझसे बदतमीजी करने लगे। इश्क में हम जैसे गरीबों का दिल बेकरार हो जाए तो बदतमीजी है, अमीरों का हो तो जायज है आपकी नजरों में? हाँ, कोई है? मेरी बात सुनी लाला जान, मेरी मोहब्बत को रुपयों में मत तोलिए, हो सके तो परख के देखिए मुझे, जो दर्जा मैं आपको दे सकता हूँ दूसरा कोई नहीं देगा। बकवास बंद करो अपनी, तुम मुझे क्या दे सकते हो? समाज में सम्मान, अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा मैं आपको, पूछकर देखिए अपने उन आशिकों से, उनमें से कोई शादी करेगा आपसे, अपनी पत्नी बनाएगा आपको? नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी, मुझे कई लोगों के दिलों की महबूबा बनके जीना है। पत्नी, देख चुकी मैं पत्नी का दर्जा क्या होता है, पति के पैरों की जूती होती है वो, उसे छोड़कर लोग यहाँ चले आते हैं मेरे पास, मेरे तलवे चाटने के लिए, मेरे नाज उठाने के लिए। मुझे नहीं बनना है किसी के चरणों की दासी। और फिर तुम्हारी औकात? औकात बदल भी तो सकती है। बड़ा नाज है आपको अपने हुस्न पर, अब तो लगता है कि आपका नाज तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे चाचा, बड़ा आया नाज तोड़ने वाला, नौकरी से तेरी छुट्टी, जा मुंह काला कर, निकल जा यहाँ से। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। हाय राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है, तुम एक काम करो, कुछ करो हमारे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं करो, बहुत वजन है, हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सठिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा। अरे घटाओं की बिजली नहीं, फूलन देवी मतलब मन की देवी, अदाओं की बिजली। हियाँ जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हियाँ से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इढ़लाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए की। चलो लैला। अच्छा, चलती हूँ। ओ डीजल इंजन, वापिस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हूँ का? नहीं। अरे जरा नजाकत से फूल की भांति लहराए के चलो। अच्छा, ओहो हो गया उत्पादन, फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूल है ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल, दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मतदान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं, कोई आया है। अरे काहे को मजाक खराब करा, कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो मैं हूँ प्रेमी, अपनी लला जान के कोठे पर। क्या करता है बे? हमरी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवा काका। क्यों जी, इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंगारे दे ना। नहीं तो हाँ। नहीं, नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी, माफ करना रानी। हाँ। कोठा नहीं, कोठी, कोठी, तुम ठीक को ठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है वो? अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ, वो हाँ, मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, घर से गिर जाओगी तो क्रेन भी नहीं उठा सकेगा। ठीक है, तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पतिदेव। हाँ सेठ जी, ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ये पोता था बड़ी मुश्किल से मस्का पॉलिश लगाए के, जरा हम जरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफ रफाई किया अभी।
लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर साहब को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। क्या ये लीजिए, एक फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहां से मिली? आप ही के लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहां से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। या कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सर जी, भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहे का? हैं? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है। कर्नाटक बलब सेठ जी। अरे बोला सर का झुका खड़ा है। अगर आप उसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा। दुनिया के मेले में आके दुनिया वाले खो गए, दुनिया के मेले में आके दुनिया वाले खो गए। कौन तेरी आवाज सुनेगा, कौन तेरी आवाज सुनेगा, जागने वाले सो गए, जागने वाले सो गए। जोगन, किधर चली आ रही है बाहे पसारे? ये मंदिर नहीं कोठा है, कोठा। आज तक मैं चुप रही, फिर कभी तो इस गली में अपना वो भजन गाते हुए आई तो टांगे तोड़वा कर रख दूंगी तेरी, समझी? माँ ये क्या लो रही हो? चल चल हुई, चल आगे मुझसे मिलने में। माई जरा रास्ता तो तुम जाई। हाँ। तो गजल की हो गई दुहाई। चना भाई, ए लैला जान, इधर को हम फिट करना है धांसू गजल। चलो राजगढ़ चलने की तैयारी शुरू करो। अरे हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए मेरे साथ। अभी अभी जो गए वो ठाकुर साहब थे ना? जी हाँ। कमाल है, वो पूजा करने जा रहे थे, तुम पूजा करके आई हो। मैंने तो सोचा था शादी ब्याह में मुजरा होता है, लेकिन यहाँ तो पूजा ही पूजा है। शादी ब्याह जन्म जन्म का बंधन है बहन जी। इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए जितनी भी पूजा की जाए कम है। पवित्र बंधन या मर्दों की गुलामी का बंधन? गुलामी नहीं, प्रेम का बंधन। ऐसा अमर प्रेम जो हर पति पत्नी को अगले जन्म में भी एक दूसरे का बनाता है। अगला जन्म किसने देखा है? यहाँ तो सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, जनवासी में तो औरतों का ही राज होता है। यहाँ कहीं नजर आया आपको मर्दों की गुलामी का सबूत? वहाँ क्या हो रहा है? मेहंदी की रस्म चल रही है, वो रही मेरी दीदी, दुल्हन बनाई जा रही है। बैठिए ना बहन जी। कांता मौसी तो मेहंदी से ऐसे बेलबूटे बनाती है कि बस देखते ही रह जाओ। मौसी इनके हाथों में भी लगाओ ना मेहंदी। मेरी? लाओ बेटी हाथ लाओ। दूसरा हाथ मुझे दो, मेरी भी कारीगरी देखो ना। कौन है ये? ब्याह में आई हैं। ऊंचे घराने की लगती है, रंग रूप बताता है कि रघु में राजपूती खून है। क्या हुआ बहन? बड़ी गर्मी लग रही है, गला सूखा जा रहा है। तो लो बहन ठंडा शरबत पियो। बस शुक्रिया।
तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? लीला। किसकी बेटी हो? चंद्राबाई। भाई? चंद्राबाई। अरे, अरे, अरे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं मालूम तो यहाँ किसके साथ आई हो? झंझोटिया सेठ लाए हैं मुझे यहाँ मुजरा करने के लिए। पवित्र रस्म में भाग देने वाली लड़कियाँ सिर्फ एक की बन के रहती हैं, और यहाँ एक वैश्य चली आई है मेहंदी लगवाने। अपशगुन है, महाअपशगुन, पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती है। अपने बाप का नाम पता नहीं है और मेहंदी लगवाने यहाँ चली है। क्या चाल है? तुम आदावर है, क्या बात है, बड़ी तिलमिलाई हुई चली आ रही है। लगता है जनवासे में सर्टिफिकेट मिल गया। भाई बड़ी बेइज्जती हो गई आपकी, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मगर चलिए। इसी बहाने आपको ये तो पता चला कि समाज में जगत महबूबा की क्या इज्जत होती है। तुम यहाँ कैसे? अरे मैंने कहा था ना कि जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अरे मैं अभी झंझोटिया सेठ को बोलकर तुम्हें इस हवेली से बाहर फेंकवा दूँगी। सुनिए, अरे उन्हीं का तो सेक्रेटरी बनकर आया हूँ यहाँ पर। सेक्रेटरी? हाँ। ये टाइटल तुम्हें कब से मिला? बस यूं ही मिल गया। फिलहाल मैं यहाँ पर आपके पतिदेव का टाइटल लेने आया हूँ। सिर्फ जूतियां मिलेंगी तुम्हें। अच्छा, आइए आइए ठाकुर साहब, आप ही का इंतजार था। ये है हमारे खास दोस्त सेठ झंझोटिया। अच्छा। और आप हैं ढोलपुर के ठाकुर चंद्रभान, मुजरे के शौकीन। इनका ट्रेलर हम पहले देख चुके हैं, ये लैला जान के कोठे पर पतंग की तरह नोट उड़ाते हैं। चंद्रा भाई, लैला जान कहाँ है? बस आती ही होगी, बाप का पता नहीं तो माँ से पूछ लिया होता। चंद्रा भाई की बेटी आ रही है लैला भाई। लैला जान, फकीर की झोली में सबके पैसे, माँ को भी नहीं पता कि बाप कौन है। मुझे तो सवेरे से मतली आ रही है, छी छी छी, छोटा जो पिया है वेश्या का मैंने। माँ, क्या? मैं मुजरा नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? यहाँ की औरतें मेरे पांव की जूती भी नहीं है और मुझे जलील करती हैं। उफ, बस बहुत हो गया, मैं नहीं नाचूंगी इनके लिए। ऐसी नादानी नहीं करते बेटी, समझने की कोशिश करो। क्या कुसर कुसर चल रही हूँ आए चंद्रा भाई, कमाल है। लैला जान, हमारी गजल सुनाओ। माफ कीजिए सेठ जी, आपकी वो गजल मैं शहर में ही भूल आई। ये का गजब किया लैला जान, तुमने झंझोटिया को निचोड़ डाला। अरे लैला जान छोड़ो इनकी गजल, जो भी तुम्हें अच्छी गजल याद है वो सुना दो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, इस वक्त मुझे कोई भी गजल याद नहीं, आप अपनी मुजरे की रकम वापस ले लीजिए। लैला जान, हम राजवंश के लोग हैं, मुजरे वालियों पर पैसा लुटाते हैं, उनसे वापस नहीं लेते। गुस्ताखी माफ हो ठाकुर साहब। लैला जान को इस वक्त गजल याद नहीं तो ना सही, नाचना तो याद होगा, या वो भी भूल चुकी हैं आप? गुरिया मत गुंगरू बांधिए। ठाकुर साहब ये क्या, सिर्फ नाच होगा गाना नहीं? अजी गाना भी होगा जनाब, मैं पेश करूंगा। मेरे गीत पर अपने पायल की संगत तो करने दीजिए ना जरा, छक्के छुड़ा दूंगा। तुम मेरे छक्के छुड़ाओगे? तुम्हें कुछ मालूम भी है सरगम क्या चीज है, सुर ताल किसे कहते हैं? अजी आप संगत तो करके देखिए जनाब, आपके पैरों में बंधे हुए घुंघरू ना बिखरा दूं तो प्रेमी नाम नहीं मेरा। अरे जियो लल्ला, तुम तो छुपा रहे, तुम निकला रे। उसने तुम्हें चैलेंज किया है, अपने फन पे नाज है तो बांधो घुंघरू। ठीक है ठाकुर साहब, मगर एक शर्त पर, अगर ये हार जाए तो इसका मुंह काला करवा कर सारे राजगढ़ में गधे पर इसका जुलूस निकाला जाए। चलिए मंजूर है, और अगर जीत गया तो इनाम क्या मिलेगा? हम तुम्हें खुश करेंगे। अजी आप नहीं ठाकुर साहब, लैला जान खुश करेंगी, इन्हें गर्मा गर्म इनाम देना होगा। सभी मिलने को मिलते हैं,
मगर कब दिल से मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले तो बड़ी मुश्किल से मिलते सरगम है मैं संगीत, तू सरगम है मैं संगीत, तेरी पायल मेरे गीत। सपने देखे ले गई जिंदिया, गोरा मुखड़ा चल चल बिंदिया, सपने देखे ले गई जिंदिया, मन की हार है प्यार की जीत, मन की हार है प्यार की जीत, तेरी पायल मेरे पल मिल के झुक गए नैना, एक पल मिल के झुक गए नैना, तीर चला के रुक गए नैना, तीर चला के रुक गए नैना, घायल मनवा पागल प्रीत, घायल मनवा पागल प्रीत, तेरी पायल मेरे गीत, तेरी पायल मेरे गीत। चार दिनों की रुत है जवानी, प्यार की दे दे कोई निशानी, चार दिनों की रुत है जवानी, प्यार की दे दे कोई निशानी, देख ये रुत ना जाए बीत, देख ये रुत ना जाए बीत, तेरी पायल मेरे गीत, तू सरगम है मैं संगीत, तेरी पायल तेरे पायल तेरे पायल मेरे गीत, तेरी पायल गम
उसके कोठे से लौटे थे हम, लेकिन आप वो हमारे इलाके में आ चुकी है, समझ गए ना तुम? अरे ओ, 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 बता नहीं क्या समझती अपने आपको? Thank you.
बदमाश लुच्चे लफंगे। हाय, ये होश में आते ही आप मुझे मानपत्र क्यों देने लगी भाई? मुझे बेहोशी की दवा तूने ही सुंघाई होगी। मेरी आबरू पे हाथ डालना चाहता है तू, इसीलिए मुझे हवेली से उठा लाया। सरकार, आप पर वो इनायत करने वाले कुछ और लोग थे, मैंने तो उन गुंडों के चुंगल से बचाया आपको। तू मुझे चकमा नहीं दे सकता, शाम से तेरी नीयत खराब है मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे होश आ गया, वरना तू न जाने क्या कर डालता। अच्छा वो न जाने क्या, माफ कीजिएगा हुजूर, न जाने क्या तो मैं आपके होश में आने के बाद भी कर सकता हूँ। बचकर दिखाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बचकर दिखाइए, छोड़ो। कैसे छोड़ दूँ, सामने शबाब है, नियत खराब है, ये तन्हाई कबाब है, और इस कबाब में हड्डी बनने वाला भी कोई नहीं। सोचता हूं कि वो न जाने क्या जो है ना, वो कर डालो। मुझे छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दिया, अब तो यकीन आया कि आपको उठाने वाला मैं नहीं कोई और थे। हम तो सिर्फ आपके नाज ही उठाना जानते हैं, मगर आपका ये नया आशिक तो आप ही को उठा लाया ठाकुर साहब की हवेली से। घटा छाने लगी है, जान छुपते ही भयानक अंधेरा। मुझे जल्दी हवेली पहुंचाओ। हवेली? हवेली यहां से कोसों दूर है सरकार, और रास्ते में घना जंगल है। वैसे वहां दूर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा है, बेहतर होगा रात वहीं काट ले। मोरनी की चाल छोड़िए और जरा हिरनी की चाल चलिए। देख नहीं सकते, कंकर चुभ रहे हैं। कंकर चुभ रहे? ए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हुजूर, आपके नाजुक तलवों को कंकरों की चुम्मियों से बचा रहा हूँ, एहसान मानिए, इतना भारी बोझ उठा रहा हूँ। ओ सुग्गी, द्वार खोल ना। मैं ज्यादा नहीं पी, वो बुढ़वा ने बातों में थोड़े सा छोड़। अरे देखो ये कौन आवे। मेरा भी बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। इन्हें लादे का हो बाबूजी? लगता है दरस शुरू हो गया है, इन्हें बाप बनावेंगी। इन्हें वो तो अगले साल का प्रोग्राम है। छोड़ बदतमीज। अरे ये तो शेरनी है। शेरनी? जी हाँ, शेरनी तो है, मगर फिलहाल फीकी बिल्ली बन चुकी है। भटके में मुसाफिर है भैया, रात काटने के लिए आसरा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती आप लोगों की। जरूर बाबूजी, ये लीजिए लाल पेन, और पीछे वो दरवाजा हमारे भंडार का है, वहाँ चले जाइए। जाइए जाइए। अरे भैया सुनिए। कहिए बाबू साहेब। ऐसा है कि हमारी शेरनी के दांत किटकिटा रहे हैं, भीगे कपड़ों में बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। तो उनसे कहिए कि कपड़े उतार दे। आपका क्या ख्याल है, सलाह पूरी नहीं है? बदमाश बाबू साहेब, उन्होंने कपड़े उतार लिए हो तो ये चादर लपेट ले, और ये दूसरी चादर आपके लिए है। शुक्रिया। तुम बाहर जाओ। क्यों, ऐसे तूफानी बरसात में और भीगने के लिए? आपके इश्क का निमोनिया कम है क्या? आप मुझे डबल निमोनिया देना चाहती हैं? मैं तुम्हारे सामने अपने भीगे कपड़े उतारूंगी। ओह, मैंने इतनी दूर की सोची ही नहीं थी।
लीजिए, मैं आपकी तरफ पीट करके बैठा हूँ, ये लीजिए। अब आप अपनी वस्त्र उतारण क्रिया आरंभ कर सकती है। देखो, तुम पलट कर देखोगे तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ दिखाना है तो आप सामने चले आइएगा। क्या क्या? हाँ। बदतमीज बेहूदा सलील कहीं का। अबे दिल पर आरी चल रही है भैया। अरे गाऊंगा। कुछ नहीं भैया, हमारी शेरनी चूहे से डर गई। इस चादर में भी सर्दी लग रही? हाँ। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में, जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। हाँ? इधर क्यों आते हो? सर्दी मिटाने? मुझे नहीं मिटानी है सर्दी। आगे मत बढ़ो। देखो, तुमने कहा था कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं है, तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। देखो, तुम वापस चले जाओ, वापस जाओ। नहीं, अब तो मैं सर्दी मिटा कर ही जाऊंगा। नहीं, नहीं। मेरी चादर भी ले लीजिए सरकार, जिसम की गर्मी वाला नुस्खा फिर कभी आजमाऊंगा। बात तो सुन सके। सुनना। अरे तू काहे सताव दे रही है? अब कभी देर से नहीं आई है, तेरे पैर पड़ता हूँ मैं। अब तू मान जा सुखी, मान जा, मान ना। क्यों, अब भी आप पत्नी को पैरों की जूती कहेंगी? अब तो रहा नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बाहर भीगने के लिए। क्यों? अंदर का तापमान बहुत बढ़ रहा है, मेरी आबरू खतरे में है। ठाकुर साहब, ये क्या अंधेर हो गया? रातों रात आपकी हवेली से मेरी बिटिया उठवा ली गई। बहरे पे तू था हरामखोर, तेरे होते ये जुरत किसने की? क्षमा करे माई बाप, किसी ने कुछ सुंघाकर मुझे बेहोश कर दिया था। चंद्रा भाई, प्रेमी लैला के साथ जुगलबंदी जमाने हिया तो नहीं आया? सवेरे से नजर ही नहीं आया। समझ गई, लैला ने उसे थप्पड़ मारकर कोठे से बाहर निकाला था, वही हरामजादा मेरी बिटिया को उठा ले गया। मैं लुट गई ठाकुर साहब, मैं लुट गई। चंद्रा भाई, गलत बात मत करो, तुम लुट तो 25 साल पहले गई थी, अब काय कलेजा पीट के रो रही हो? आप लोग क्या फजूल की बातें कर रहे हैं? मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा चंद्रा भाई, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। राम राम चौधरी। राम राम। बाबूजी, हमारे गांव की चौधरी है। नमस्ते। कौन है ये लोग? रास्ता भूल गए रहे, बड़ी हवेली में राजगढ़ में ठहरे हैं, बड़े लोग हैं। बड़े लोग? हाँ। लेकिन इनका पहनावा तो हमारे जैसा है। अरे रात बरखा हुई गई रही ना, तो बीवी जी के कपड़े भीग गए, तो हमारे घरवाली ने अपना जोड़ा दे दिया इनको। अच्छा अच्छा, आज हमारी धोबी बिरादरी में सुहागनों का त्योहार है, आप पति पत्नी भी शामिल होंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे।
लड़की तिलक लगाओ। चलिए पत्नी जी। एक नजर से दिल डस जाए, दूजी से ले जाए, तीजी नजरिया ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। अरे जियो राजा जियो। तोरी नजरों से हिरनिया लागे मन मकाटरे, तोरी नजरों से हिरनिया लागे मन मकाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, तोरी नजरों से हिरनिया लागे मन मकाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, तोहिता 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 करे हम पे मरे हर को नारी ओ धोबनिया मोरी जनिया, प्यार करे हम पे मरे हर को नारी को मगर एक नजर लागे न प्यारी, हमरे सपनों की जननिया हमने तो कछा टरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, तोरी नजरों से हिरनिया लागे मन मकटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, तोहिता 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 तोहिता। लाख जतन करके धरी तोहरी कलाई, धरी तोहरी कलाई, लाख जतन करके धरी तोहरी कलाई, धरी तोहरी कलाई, राम कसम तोह पे लुटी हमरी कमाई, लुटी हमरी कमाई, पाई लाखों की जवानिया नहीं हमका घाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे। बदन चढ़ती जवानी ओ धोबनिया मोरी जनिया, चंद्र किरण चोर बदन चढ़ती जवानी, खाए जो बल लागे कमर कसती कमानी, पीते दिल को ऐसे जनिया जैसे चकिया आटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटरे, तोरी नजरों से हिरनिया लागे मन मा काटा रे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटा रे, दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन, दिन क्रांग दिन दिन क्रांग दिन, दीदी तक दीदी तक दीदी तक दीदी तक, तोरी नजरों से हिरनिया लागे मन मा काटा रे, काहे धोबिया को धोबनिया मारे धोबिया पाटा 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 रे। हे अब चौधरी, ये नचनिया हमारे त्योहार में कैसे आ गई? कारे भांग पिया है का? अरे हम सच कह रहे हैं, कल ठाकुर साहब की हवेली में प्रजा के लिए मुजरा था, उसमें मटक मटक के नाच रही थी। अरे ये तो वैश्या है वैश्या।
देखो तू किसे ले आया हमारे पवित्र त्योहार में? हम तो जोरू मरद समझ के ले आए रहे चौधरी, अब हमें क्या पता कि एक गंदी मछरिया है। हेलो बाबूजी, इधर बताओ, मधुमक्खियां काट लेगी। घबरा मत लेना, उठो बाबूजी, इनके शरीर में आग लगी है, दवा दारू करना पड़ेगी, चलिए हमारे साथ। तेल लगाइए, अगन ठीक हो जाएगा। हाँ, घंटे दो घंटे बाद है ना जूड़ी चाप आए तो कम्बल उड़ा दीजिए। हाँ। अब मैं चलता हूँ, मधुमक्खियाँ लौटने से पहले शहर निकालूंगा। मुझे बचाने के लिए तुमने इतनी तकलीफ मोल ली, तुम चाहते तो भाग के बच निकलते। बड़ी भूल हो गई भाई, बहुत ही बड़ी भूल हो गई। भूल? अगर मैं बच निकलता तो इस वक्त आप यहाँ लेटी होती और आपका संगे मरमर जैसा बदन वैसा ला रहा होता। बदमाश, चुपचाप लेटे रहो, मुझे मालिश करना है। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? बहुत सर्दी लग रही है। आदिवासी ने कहा था जुड़ी ताप आए तो कंबल उड़ा देना, अब मैं कंबल कहाँ से लाऊं? बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा। कल रात तुमने कहा था सर्दी मिटाने का एक दूसरा तरीका भी है। याद नहीं क्या कहा था मैंने। बदन की गर्मी, प्रेमी समेट लो मुझे। कस के समेट लो मुझे, आज तुमने मेरा नाज तोड़ दिया। लैला आज पहली बार किसी मर्द की बाहों में गई है और अब से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लैला बनकर रहेगी, सिर्फ तुम्हारी। लैला नहीं, लीला बनकर, इस प्रेमी की प्रेरणा बनकर। मेरी जान, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम खुद
प्रेमी, प्रेमी, मैं तन मन से तुम्हारी हूँ। मुझे अपना लो, मुझे हर तरह से अपना लो। क्या हुआ? नहीं, इस तरह तुम्हें अपनाना कोठे वाला तरीका होगा। मैंने तुम्हें देवी का रूप देखा है लीला, दुनिया वालों के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा मैं, तुमसे बिहार जाऊंगा, फिर सुहागरात को तुम्हें पूरी तरह से अपनाऊंगा मैं। प्रेमी, मुझे मोहब्बत का देवता मिला। मोहब्बत का एक देवता सा मिला। पर भी प्यारा गया इनाम।
कसूर क्या? इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर लाए हो? नहीं, इन्हें उठाने वाले कोई और थे, मैंने तो बचाया इन्हें। रंगे हाथों पकड़ा गया तो चकमा देता है, भाई जी को देहातन भी बना दिया ताकि पहचाना न जाए। ये क्या मुझे बेहोशी की दवा सुनाई थी ना तूने, ये ले उसका। मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ इसके साथ। बहुत खूब, तुम भी इसकी साइड लेने लगी भाई जी। लगता है इस गुरु घंटाल ने तुम्हें रातों रात हथेली पर चांद दिखा दिया। कुत्ते की औलाद, तुम इसे बात कर तू। हमें हुक्म मिला है तुम्हें हथकड़ी में लाया जाए। तुम्हारा कसूर है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। चलो हमारे साथ पुलिस थाने। फिर मैं भी साथ चलूंगी। तुम हवेली चलोगी भाई जी, फिक्र मत करो लीला का हुक्म। अरे भाई, हम तो समझे थे कि प्रेमी तुम्हें उठाकर ले गया है, पर तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें गुंडों से बचाया? जी हाँ ठाकुर साहब, उसने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ गुंडों से ही नहीं कई मुसीबतों से बचाया है मुझे। वो हीरा आदमी है। जिस आदमी को तूने घर से थप्पड़ मार के निकाला, आज वो तुझे हीरा नजर आने लगा। माँ, मैं प्रेमी को गलत समझी थी, वो बेहद शरीफ आदमी है और मुझे उससे प्यार हो गया है। दो रातें उसके साथ गुजारी और प्यार हो गया तुझे? हाँ चंद्रा भाई, वो इसलिए कि ये तुम जैसी नहीं है ना। तुम किसी के साथ अगर हजार रातें भी गुजारो तो तुमको प्यार नहीं होगा, मगर आम इंसान अगर किसी के साथ दो मिनट भी गुजारे तो उसके मन में प्यार का मामला फिट हो जाता है। आप चुप रहिए सर जी। अरे साफ साफ बता, प्यार में कहाँ तक बड़ी है तू? लुट कर तो नहीं आई? वो अगर लूटना चाहता तो शायद मैं, मगर प्रेमी लाखों में एक है माँ। उसने मुझ में देवी का रूप देखा है। वो मेरे माथे से कोठे का कलंक मिटाना चाहता है, मुझसे ब्याह करना चाहता है माँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है लैला जान, नेक काम है। प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे और तुम्हारे ब्याह का सारा खर्चा भी हम करेंगे। हुजूर, आपको इस नेक काम में हाथ बटाने के लिए कुछ और करना होगा। क्या? आपको लैला के ब्याह में बाप बनकर कन्यादान करना होगा और ब्याह मेरे कोठे पर होगा। अरे रे रे रे, ये का है? आहिस्ते आहिस्ते ब्रेक लगाओ गंगा जमुना पे। अरे ठाकुर साहब नहीं तो क्या, हम तो हैं, हम करेंगे तो रख कन्यादान। तुम अपनी माँ के साथ लौट जाओ, प्रेमी को हम छुड़ा के लाएंगे शादी की तारीख फिक्स करने के लिए। क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए। शाबाश। हाँ भैया, लैला जान तो वापस आएगी। ये क्या लैला जान,
कई दिनों के बाद आप हमारे सामने आए हैं। सज धज कर बिजली गिरानी चाहिए थी। ये क्या भद्दा लिबास पहन रखा है? इसी लिबास में मैंने जिंदगी को समझा है बेनी बाबू, जीने का मकसद पाया है। हम भी किसी मकसद से आपके कोठे पे आते हैं सरकार, अब आप हमें मुजरा दिखाएंगी या नौटंकी? नहीं होगा मुजरा। लैला, कई दिनों से हमारी आंखें तरस रही हैं, कान तरस रहे हैं। लैला जान मर गई। लैला जान, अब मैं लैला जान नहीं, लीला बनके जीना चाहती हूँ। सिर्फ एक ही बनके जीना चाहती हूँ। इसलिए आप सब लोग एक बात गौर से सुन लीजिए कि आज के बाद इस कोठे पे लैला जान का मुजरा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हैरान हूँ लैला जान, उस फाके मस्त के चक्कर में तुम जैसी समझदार लड़की आई कैसे? समझदार हूँ इसीलिए बेनी बाबू। वो मुआ प्रेमी राजगढ़ आ धमका था बेनी बाबू, न जाने इस पर कैसा जादू कर दिया। ये निगोड़ी अपने तमाम रईस चाहने वालों को उसके लिए छोड़ रही है। माँ, ये रईस चाहने वाले मेरा जिस्म पाने के लिए सिर्फ अपना रुपया बहाना जानते हैं। मुझे सुख देने के लिए प्रेमी अपना पसीना बहाएगा, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए वो अपना खून तक बहा देगा। ये लोग मुझे रखेल का दर्जा देंगे, उसने मुझे देवी का दर्जा दे रखा है। ये लोग वासना के पुजारी हैं, वो मेरा पुजारी है। माँ, मेरा सच्चा आशिक सिर्फ प्रेमी है। क्या चटेगी उसका इश्क? उसकी बनेगी तो दो वक्त की रोटी भी तुझे पेट भर नसीब ना होगी। लैला, तो नाजो से पली है बेटी, प्रेमी के घर जाएगी तो दिन रात कामकाज करना पड़ेगा, तुझे नौकरानी की जिंदगी गुजारनी होगी। गुजार लूंगी माँ, अपने प्रेमी के घर की रानी बनने के लिए नौकरानी की जिंदगी भी मैं गुजार लूंगी। झाड़ू दूंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी, मैं हर तकलीफ को खुशी से झेल लूंगी माँ। प्रेमी की पत्नी बनने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। तुम्हें मंजूर होगा लीला, मगर मुझे मंजूर नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो प्रेमी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे ब्याह करोगे, मुझे अपनी पत्नी बनाओगे। बनाऊंगा जान, मगर मुझे मंजूर नहीं कि मेरी पत्नी बनने के बाद तुम किसी भी किस्म का दुख झेलो। तुम्हारा पति बनने के बाद तुम्हें हर वो सुख देना चाहता हूँ जो खाते पीते घरों की पत्नियों को मिलता है। तू खाता पीता कब से हो गया कंगाल? लैला जान को सुख देने के लिए तेरे पास धराई क्या है? ए बहनी बाबू, कम से कम तुम तो ये मत कहो कि इसके पास का धरा है। अरे इसके पास शायरी का वो खजाना है जो आज तक तुम लूटते रहे। इसकी गजलें तुम लैला जान को सप्लाई करके अपना मामला फिट करना चाहते थे। प्रेमी, क्या ये सच है? वो गजलें तुमने लिखी थी? बोलो प्रेमी। अरे अब ये बेचारा कहा बोलेगा, इस गुरु घंटाल ने से वचन लेके इसकी जबान पे ताला फिक्स कर दिया है। मगर हम बताते हैं लैला जान, आज तक जितनी भी गजलें हम तुम्हें देते रहे ना, वो हमारी नहीं थी, वो प्रेमी की थी। मैं जानती थी मैं कि दोनों की गजलों का शायर एक ही है, मगर आज मालूम पड़ा कि मेरा प्रेमी है वो शायर। सिर्फ शायर होने से क्या होता है लैला जान, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दौलत, जो इस जैसे शायर को भी खरीद सकती है। इसकी शायरी के लिए मेरी दौलत को मत ठुकराओ। मैंने एक बढ़िया इंसान के लिए एक घटिया आदमी को ठुकराया है बेनी बाबू। प्रेमी गरीब सही, गुमनाम सही, मगर बहुत ऊंचे चरित्र का है जो मैंने राजगढ़ में परखा। लैला जान, अब प्रेमी ज्यादा दिन गरीब और गुमनाम नहीं रहेगा। चंद्रा भाई, आज 26 तारीख है, याद रखना अगली 26 तक ये दौलत कमाकर नाम कमाकर तोरी कोठी पर आएगा तोरी बिटिया का हाथ मांगने के लिए। ये हमारी गारंटी है। चल बेटा। और बहनी बाबू, ये लड़की घटिया आदमी का टाइटल तो तुम पे फिट कर चुकी है, अब हमसे का
बेशरम का टाइटल लेना चाहते हो? शट अप। जैसन तुहार मर्जी, मगर चंद्रा भाई याद रखना 26 को ये आ रहा है। उस दिन राजगढ़ वाली को त्रुप की चाल मत चलना, वरना उस त्रुप पे हम अपना पपलू फिट कर देंगे। चलो। जिंदगी में कम से कम एक बार होता है, जिंदगी में कम से कम एक बार होता है। अजी क्या होता है जनाब? हर जवां दिल को ओ, हर जवां दिल को किसी से प्यार होता है। ओ, हर जवां दिल को किसी से प्यार होता है। ओ, जिंदगी में कम से कम एक बार होता है। जागती है आग दिल में जब मोहब्बत की, ओ जागती है आग दिल में जब मोहब्बत की, ओ वो घड़ी होती है यारो किस कयामत की, ओ वो घड़ी होती है यारो किस कयामत की, ओ जब नजर का तीर दिल के पार होता है। ओ हर जवां दिल को किसी से प्यार होता है। हसीना ने हमारा दिल चुराया है, ओ एक हसीना ने हमारा दिल चुराया है। याद ने उसकी हमें शायर बनाया है, ओ याद ने उसकी हमें शायर बनाया है। ओ, एक गजल होती है जब दीदार होता है, ओ एक गजल होती है जब दीदार होता है। जब दिल की ओ रोकता है ये जमाना राह जब दिल की, ओ आरज़ू बढ़ जाती है कुछ और मंजिल की।
बाकी है कुछ और मंजिल की ओ, प्यार का जब रास्ता दुश्वार होता है ओ, जिंदगी में कम से कम एक बार होता है ओ, हर जादिल को किसी से प्यार होता है। आज मुझे खूब सजा दे चमेली, आज मेरा प्रेमी आने वाला है। अब उनको जो माल दे उसका साथ देता है। प्रेमी, तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? प्रेमी आंखें खोलो,
आंखें खोलो प्रेमी, ये क्या हो गया प्रेमी को? बेहोश है मगर जिंदा। अगर तू इसकी जिंदगी चाहती है तो जो मैं कहूँ वही करना होगा, वरना देख उधर। माँ, तुम प्रेमी की जान लोगी? अगर मगर तुम तो हमारी शादी के लिए राजी हो गई थी। मनचली लैला को कोठे पे वापस लाने के लिए राजी हुई थी। अब ये कोठे से जिंदा जाए या मुर्दा, ये तुझे तय करना है। अब कैसी तबीयत है बेटे? तुम्हारी हालत किसने बनाई? सिर्फ बेनी बाबू जानते थे कि 26 तारीख को मैं यहाँ आने वाला हूँ। उसी ने गुंडे भेजे होंगे इससे पहले कि वो कोई और चाल चल दे। आप मेरी शादी लीला के साथ कर दीजिए। मुझे तो बेटी को सुखी देखना है प्रेमी। वो जिसे पसंद करे वही मेरी पसंद होगी। उसने मुझे पसंद किया माँ जी। लीला, ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे प्रेमी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? पहलू में इनके बैठकर? अरे हाँ, अखबार में तुम्हारा फोटो देखा। आखिर तुम कुछ बन ही गए। बड़ी खुशी हुई मुझे। तेरी या चरित्र की बातें मत करो। तुम तो लैला से लीला बन चुकी थी। तुम्हारे लिए बनी थी प्रेमी, वरना तुम हमेशा फाके मत बने रहते। भाई, तुमने राजगढ़ में हमें काफी मुसीबतों से बचाया। बहुत एहसान किया मुझ पर। मुझे तुम्हारे एहसानों का कर्ज चुकाना था। तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तरक्की करने की प्रेरणा देने के लिए मैं लैला से लीला बनी थी प्रेमी। बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे लीला। जी नहीं सकता हूं मैं तुम्हारे बगैर। मुझे प्रेरणा देकर मेरे साथ विश्वासघात मत करो तुम। हम दोनों ने ब्याह करने की कसम खाई थी। तुम्हें सुख देने के लिए मैं दिन रात जुटा रहा। एक घर। हाँ, एक फ्लैट। सुना है मैंने तुमने मेरे लिए एक फ्लैट खरीदा है। कितने कमरे हैं उसमें? एक, दो, तीन। बेनी बाबू की कोठी से तो बेहतर नहीं है वो? तुमने तो खुद देखी है कितनी आलीशान है उनकी कोठी। वो नौकर चाकर गाड़ी ऐशो आराम की जिंदगी तुम मुझे कहां से दे सकते हो? प्रेमी, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। अब मैं फिर से लैला जान बनकर बेनी बाबू की आलीशान कोठी में रहने जाऊंगी। यकीन नहीं आता मुझे, यकीन नहीं आता कि एक महीने में तुम इतनी बदल कैसे गई। प्रेमी, हाय! मेरे लिए तो तुम इसके आलीशान महल को ठुकराने के लिए तैयार हो गई थी ना? सारी मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हो गई थी तुम? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी प्रेरणा के लिए ये सब कुछ किया मैंने। जाओ प्रेमी, जाओ। मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जियो और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने दो। कितना मूर्ख था मैं। तुम्हें देवी के मंदिर में क्या देख लिया? देवी समझ बैठा तुम्हें, मगर तुम निकली सर से पांव तक तवायफ की तवायफ।
बेटी। माँ, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई ना। आज तो तुम बहुत खुश होगी, तुमने मुझसे मेरे प्रेमी को अलग कर दिया। लेकिन आज आज ये बात भी सुन लो, मरते दम तक उसके सिवा मैं और किसी की भी नहीं बनूंगी। उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। चले जाओ तुम दोनों यहां से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है, अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए सिर जी। एक दिन और नहीं रुक सकते हो क्या तुम? नहीं सिर जी, नहीं, इस शहर से मन भर गया है मेरा, आज ही अपने गांव लौट जाऊंगा बस। हाँ इतना है कि मरते दम तक आपके एहसानों को नहीं भूलूंगा। नहीं चंद्रा भाई, मैं आज तक चुप रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहा जाता। मैंने तुम पे क्या जुल्म किया खान साहब? तुम उस बच्ची पर जुल्म कर रही हो जो मेरी बेटी जैसी है, वो तुम्हें काफी कमा के दे चुकी है चंद्रा भाई। अब उस बेचारी को अपनी जिंदगी सवारने दो, उसे प्रेमी की दुल्हन बन जाने दो। कोठे की संतान सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनती है खान साहब, उम्र भर के लिए नहीं। वो दौलत के तराजू में तुलकर अपनी नत उतरवाती है, ब्याह करके सुहागरात नहीं मनाती। तुम एक बात भूल रही हो चंद्रा भाई, लैला जान कोठे की संतान नहीं है, वो सिर्फ कोठे पे पली है। मैं भूली नहीं, याद है मुझे। तो चंद्रा भाई तुम्हें वो वादा भी याद होगा जो तुमने लैला जान को अगवा करते वक्त मेरे साथ किया था। दुनिया के मेले में आके दुनिया वाले हो गए, कौन तेरी आवाज सुनेगा, कौन तेरी आवाज सुनेगा, जागने वाले सो गए। करिश्मा है करिश्मा, गीत सुनते ही खामोश, इस नन्ही सी उम्र में इतना संगीत प्रेम। सूरत भी बहुत प्यारी है खान साहब, बड़ी होकर रूप की रानी निकलेगी। अब तुम्हारी नजर इसको नहीं लगेगी चंद्रा भाई, बनाने वाले ने तलवे में जन्म से ही काला दाग दे रखा है। चलो भाई, वो ढाबा आ गया, 15 मिनट तक गाड़ी रुकेगी, आप लोग जल्दी से चाय पानी वगैरह पीकर वापस आइएगा। तुम बच्चे को संभालो, मैं अभी दूध लेके आता हूँ। क्या हो गया हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नहीं बेटी, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। ये मासूम बच्ची बड़ी होकर किसी भले घर की जीनत बनती, अब ये कोठे की रौनक बनेगी, हुस्न के बाजार में इसके जिस्म का व्यापार किया जाएगा। नहीं खान साहब, नहीं, नृत्य और संगीत की सीमा इसे कभी पार नहीं करने दूंगी, हर तरह से इसकी रक्षा करूंगी, इसे वही ममता और प्यार दूंगी जो इसे अपनी माँ से मिलता। हुस्न के बाजार में इसे बिकने नहीं दूंगी खान साहब। कहाँ गई तुम्हारी वो ममता, कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार? मेरा उस दिन का अंदेशा ठीक ही निकला, उस बच्ची के लिए तुम माँ नहीं डायन साबित हो रही हो, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के मेले में आके, मुझे जोगन के तो दर्शन कर लेने दो,
मन को कुछ तो शांति मिलेगी। जोगन के बहाने घर से बाहर निकलकर प्रेमी से मिलना चाहती है। घर से एक कदम भी बाहर रखा तो कत्ल करवा दूंगी उसे। नहीं माँ। अंदर बैठ। माँ। जा अंदर बैठ। माँ। माँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो माँ। ए जोगन, तुझे ही आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई है? उस बच्ची के लिए देवी, पिछली बार उसे देखा तो बड़ी ममता जागी थी मन में, सिर्फ एक बार देख ली न दोसे। टूटी टांगे लिए अस्पताल की खटिया देखनी है क्या? चल दफा हो यहाँ से। बस एक बार बच्ची को देखकर चली जाऊंगी, मुझे मत रोको देवी। पागल औरत, तू जाती है कि नहीं? चंद्रा भाई, अरे तुम औरत हो कि भूतनी हो, कतनी बेदर्दी से धकेल दिया देवी को। अरे इनके चरण अगर तोरे कोठे पे पड़ जाते ना, तो पाप का बोझ हल्का हो जाता तोरे टकले से। ये मेरा कोठा है झंझोटिया सेठ, यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये मेरी मर्जी से होगा। तोरे नखरे में गरम मसाला। अरे हे सुसरी, ई देवी को हम ले जा रहे हैं लैला जान से मिलाने, देखे कौन साला रोकता है। दरबान, झंझोटिया सेठ को भी चलता करो। अच्छा, मतलब पब्लिक सड़क पर हमने इज्जत डाउन कर रही हो? अरे ये देवी की दवा दारू का मामला नहीं होता ना चंद्रा भाई, तो भगवान कसम हम तेरी ऐसी हालत कर देते पूरा टकला साफ। लेकिन आज मजबूर है, चला देवी। अच्छा कुटनी साली। परसों से भटक रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे की तलाश में, सिर्फ एक ही आस लेकर जी रही हूँ, शायद एक दिन मेरी बच्ची मिल जाए। मगर बहन, वो नन्ही सी बच्ची अब तक जवान हो गई होगी, अगर मिल भी जाए तो तुम पहचानोगी कैसे? उसकी पाए तलवे में एक काला पतंग था, बस यही एक निशानी है उसे पहचानने की। काला पतंग, ये हम कहीं देखा है? कोई सुंदरी के तलवे में? हाँ? सुंदरी मतलब बच्ची। देखा तो है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भैया, उस दिन तुम जख्मी हालत से कोठे से नीचे उतरे थे, बेनी बाबू का सिगार लेकर हम ऊपर पहुंचे थे, बैठक में खड़े खड़े हम सब बातें सुने, तुम्हारे जाने के बाद फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ को बेनी बाबू को खूब बातें सुनाई और कहने लगी अगर वो तुम्हारी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनेगी, अपनी जान दे देगी, खत्म कर लेगी अपने आप। मुझसे आपका ये दुख अब और नहीं देखा जाता लैला जान, कुछ लाई हो आपके लिए? प्रेमी का खत है। लीला मेरी जान, चंद्राबाई की चालबाजी और तुम्हारी मजबूरी का पता चल चुका है मुझे। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं कोठे पर नहीं आ सकता, मुझे मौत का डर नहीं लेकिन अपनी लीला के साथ जीने का अरमान है दिल में, इसीलिए आज दोपहर तक तुम किसी भी तरह कोठे से निकलकर दरिया महल के पास मुझे मिलो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, आज ही हमारा ब्याह हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकेगी। तुम्हारा प्रेमी। लैला बेटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ उस्ताद जी, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन कहाँ? उसी प्रेमी के पास और कहाँ? ये चुड़ैल चमेली जरूर कोई संदेश लाई होगी इसके पास, खबरदार जो कोठे से कदम बाहर निकाला। अब तो टूटती हुई बिजलियां, आंधी या तूफान भी मुझे नहीं रोक सकता माँ, तुम रोक सकती हो तो रोक लो। मुझे दीले दिखाती है लौंडिया, अभी मजा चखो। चंद्रा भाई, इस लड़की ने तुमको माँ का मकाम दिया है, माँ ही बनी रहो तो अच्छा है, अगर दूसरा रूप दिखाया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जा बेटी जा। बाबा, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे, देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। उस्ताद जी, लीला कहाँ है? मिली नहीं तुम्हें? वो तो चमेली के साथ तुमसे ही मिलने गई थी। मुझसे मिलने? हाँ। कहाँ? मेरे ख्याल से चमेली तुम्हारे नाम से उसके पास कोई संदेशा लेकर आई थी। पर मैंने कोई संदेशा नहीं भेजा उस्ताद जी। या अल्लाह, उस बच्ची के साथ किसने किया ये फरेब? और कौन हो सकता है,
ये बेनी बाबू और चंद्रा भाई ने मिलकर कोई साजिश रचाई होगी उसके साथ। अरे चिंता नहीं करो, हम आ गया हूँ बहनी की फैनी बनाने और उस कुठनी की चटनी बनाने। हमको बताओ कौन साजिश हुआ। अरे वो लोग फिर चकमा देकर मेरी लीला को कहीं ले गए। उस्ताद जी आप भी कुछ कीजिए ना, पता लगाइए ना मेरी लीला कहाँ है। कैसे पता चलाओ बेटी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे दिल छोटा नहीं करो, हम है ना, हमारा नाम का है झंझोटिया, तो झंझोर डालेंगे। चलो प्रेमी तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आइए आइए जाने मन, भूल जाओ उस फटीचर प्रेमी को और आ जाओ इस सच्चे आशिक की बाहों में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार, प्रेमी के नाम से वो खत मैंने भेजा था। झूठ, लिखाई प्रेमी की थी। उसकी लिखाई की एक गजल मेरे पास मौजूद थी, लिखाई के एक्सपर्ट को दिखा दी और अपने मतलब का खत लिखवा लिया। अरे जाने मन, छोड़ मुझे। अरे आज तक छोड़ता ही तो आया हूँ, लेकिन आज हमारा मधुर मिलन होकर ही रहेगा। माँ मुझे बचा लो। अरे किसको पुकार रही है? अपनी माँ को। ये तेरी नथ उतारने की कीमत मुझसे ले चुकी है। हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी की रक्षा करना। जाने मन, काली दुर्गे नमो नमः। Lila! 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 Lila
आपकी रक्षा करो भगवान। बचाओ इन्हें, कोई बचाओ, बचाओ इन्हें, इन्हें कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। इस पतिव्रता देवी का सुहाग ना उजड़े इसलिए तुम्हारी जान बचाई है, माफी मांगो इनसे। चौको मत बहन जी, ये आप ही की प्रॉपर्टी है। इसके पैर में जो निशान है वही है जो पैदा होने से पहले भगवान इसके तलवे पे फिक्स कर दिया रहा, ये वही है। मेरी बेटी, बेटी। ये सच है बेटी, तुम्हें जन्म देने वाली माँ ये है। तुम दूध पीती बच्ची थी जब चंद्राबाई तुम्हें चुरा कर ले भागी थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह गवाह है बेटी, अल्लाह गवाह है। बेटी, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वर्षों के बाद मुझे मेरी बेटी मिल गई। बहन जी, आपकी बच्ची तो मिल गई। हमरे बगल में हमारा एक बच्चा खड़ा है उम्मीदवार, अगर उसको भी यहाँ फिक्स कर दें तो लैला मजनू की जो कहानी जो हजारों साल से अधूरी है पूरी हो जाएगी। मोहब्बत का एक देवता सा